bad man a picture. If there is any mistake, let me know in the comment section. Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel. And also do not forget press the bell icon. Show some love and encourage me to do more. Thank you. विनोबा भावे जीवनी विनोबा भावे बायोग्राफी पूरा नाम विनायक नरहरि भावे जन्म 11 सितंबर 1895 जन्म स्थान गागोदेव जी रायगढ़ पिता नरहरि भावे माता रुक्मिणी भावे भारतीय संस्कृति में ऋषि परंपरा का दुवा ऐसी पहचान विनोबा भावे की जा सकती है अनेक धर्मों के तत्व ज्ञान का अभ्यास सर्वोदय और अहिंसा की विस्तार की रचना और साइंस को अध्यात्म से जोड़ना ऐसी विनोबा की सोच भगवत गीता के भाष्यकार से स्वतंत्रता सेनानी ऐसी बहुत सी भूमिकाएं उन्होंने अच्छी से निभाई रायगढ़ जिले के गागोदेस गांव में 11 सितंबर 1895 को जन्मे विनोबा नेवाल के प्राग्य पाठ स्कूल में भारतीय परम्परा वैसे ही वैदिक संस्कृति का अभ्यास किया लेकिन विनोबा का वैशिष्ट्य मतलब कि वो सिर्फ ज्ञानार्थी नहीं थे तो कृति पर ही उनका विश्वास था स्वतंत्र पूर्व समय के सविनय सत्याग्रह के आंदोलन में पहले सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने उन्हें चुना था आधुनिक राजकीय विचारों के विषय में उनका अभ्यास था और भारतीय संस्कृति और जिंदगी जीने का तरीका इनमें विशेष आकर्षण था इस इंटरेस्ट में से उन्होंने धूले के जेल में कैदियों के सामने भगवद गीता के विषय में प्रवचन दिया महात्मा गांधी के जैसी ही विनोबा को भी प्राचीन भारत के आश्रम के जीवन के विषय में विशेष आस्था थी गांधी जी ने वर्धा में स्थापन किए हुए सेवाग्राम आश्रम में विनोबा का शुरुआती दौर में रहते थे बाद में वर्धा में ही उन्होंने पवनार आश्रम की स्थापना की आखिर तक वो वही रहे विनोबा ने किया हुआ सब भूमि गोपाल की का नाश उस समय में भारत में बहुत गूंजा विनोबा खुद को विश्व नागरिक समझते थे इसी वजह से अपने किसी भी लेख अथवा संदेश के आखिर में वो जय जगत ऐसा याद से लिखते थे हिंदू मुस्लिम ख्राइचन वैसे ही बौद्ध ये सभी धर्म को लोगों में संघर्ष के अलावा प्रेम बिंदु भाव और शांतता की शिक्षा उन्होंने दी इसी दृष्टिकोण के वजह से उन्होंने हिंदू के धर्म ग्रंथों के जैसे ही मुस्लिम और ख्रिस्तीन धर्म ग्रंथों का भी उन्होंने अभ्यास किया लोगों में कफर फूलकर शांति और प्रेम का मार्ग दिखाने वाली विश्व धर्म की स्थापना होनी चाहिए इसलिए विनोबा ने सर्वोदय की योजना बनाई आचार्य विनोबा भावे का स्वातंत्र्योत्तर समय में महत्वपूर्ण कामगिरी मतलब भूदान आंदोलन इस आंदोलन में जमींदारों ने उनके जमीन का छठवां हिस्सा उन्हें दान में देना जिनके पास जमीन नहीं ऐसी विनोबा ने मांग की 1951 में नक्सलवादी समूह ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना हिस्से में जमींदारों के खिलाफ सहस्त्र संघर्ष शुरू कराने के बाद विनोबा ने अपना भूदान आंदोलन व्यापक किया पंत प्रधान पाम जवाहरलाल नेहरू को मिलने के लिए वो दिल्ली को चलकर गए उसके बाद उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक महाराष्ट्र ऐसे अनेक राज्यों से 1951 सेकंड 1964 ऐसे 14 साल विनोबा ग्रामदान के आंदोलन के लिए देश भर पैदल घूमे खुद के उम्र के 55 सेकंड 68 इतने साल 40,000 माइल चलकर उन्होंने देश का बड़ा सवाल जनता के पास जाकर सुलझाने का प्रयास किया ग्रामदान संपत्ति दान ये आंदोलन चलाए और दूसरी तरफ कंचन मुक्ति ऋषि शेती जैसे खेत के विषय में प्रयोग भी किए लेकिन 1975 को देश में आनी बानी की घोषणा होने की जब उन्होंने अनुशासन पर्व के रूप में समर्थन किया तब उनकी भूमिका वादग्रस्त साबित हुई भूदान आंदोलन की संकल्पना और उसे मिलने वाली सफलता ये भी ऐतिहासिक साबित हुई हमेशा सर्वोदय की सोच रखने वाले विनोबा ने उनके मधु का इस पत्रिका में इस विषय पर अच्छा लिखा बाइबल और कुरान पर भाष्य वाला उनका ग्रंथ भी विद्वत्मान्य समझा जाता है धूले जेल में विनोबा ने गीता पर किए प्रवचन का शब्दागम साने गुरु जी ने किया वो गीता प्रवचन नाम से प्रसिद्ध है गीता ये विनोबा की साहित्य कृति सबसे लोकप्रिय है ईस 1982 में विनोबा भावे इन्होंने प्रयोग पेशन करके स्वेच्छा मरण स्वीकार किया
भारत सरकार ने 1983 को उन्हें मरणोत्तर भारत रत्न ये सर्वोच्च किताब देकर उनके कार्यों का और योगदान का गौरव किया। ग्रंथ संपत्ति ऋग्वेद सार ईशावास्य वृत्ति वेदांत सुधा गुरुबोध सार भागवत धर्म प्रसार। Complete my draw this picture. This great man name is Arshaya Vinoba Bape. He was a scholar. Dear viewers, please support our YouTube channel Assam Boy JT. And please like, comment, share and subscribe. With press the bell icon. Thank you for watching.